मेरा नाम अनिल मल्होत्रा है। क्या हुआ है क्षितिज के साथ? क्षितिज मेरा बड़ा बेटा है, ये अपनी बीवी के साथ 2 साल से अलग रहता था। 2 साल पहले इसकी वाइफ की इसकी शादी हुई थी। कल 3 दिन से ये रोज लड़ रही थी उसके साथ, सोमवार मंगलवार बुधवार, हमें नहीं पता चला। कल दोपहर को मेरी वाइफ को उसका फोन आया कि भाई क्षितिज मर गया। मेरी वाइफ ने मना करा, ऐसे मत बोल। तो ऐसे ही उसने मेरे छोटे बेटे को कॉल किया, चिराग को, नोएडा ऑफिस में, कि क्षितिज मर गया। मेरा बेटा वहाँ से, छोटे वाला बेटा, नोएडा से चल पड़ा, मैं प्रीतमपुरा से चल पड़ा। मेरे बेटे ने नोएडा से इसको 10-15 कॉल करी कि तू 100 नंबर पे कॉल कर, तू 102 नंबर पे एम्बुलेंस पे कॉल कर। हमने फ्लैट देखा हुआ था मगर घर नंबर याद नहीं था। मेरा बेटा बार बार पूछता रहा कि फ्लैट नंबर बता दो ताकि मैं एम्बुलेंस को भेज देता हूँ। इसने बॉम्बे से भी एम्बुलेंस का किसी को बोल के अरेंजमेंट करवाया मगर फ्लैट नंबर ना होने की वजह से नहीं पहुँच पाया। बेटे ने करवाया। चिराग फिर जब वहाँ पहुँचा तो पड़ोसियों ने बताया कि पड़ोसियों ने आवाज़ सुन के आए घर पे, तो उन्होंने देखा कि बॉडी जमीन पे पड़ी हुई है और विपाशा बोलती है ही इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। वो एकदम पड़ोसी बाहर निकल गए और उन्होंने 100 नंबर को कॉल किया। विपाशा ने 4 घंटे में 100 नंबर को कॉल भी नहीं किया, ना कोई डॉक्टर को फ़ोन किया, ना एम्बुलेंस को फ़ोन किया, जबकि मेरा छोटा बेटा चिराग बार बार उसको इंसिस्ट करता रहा कि आप एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ और अपने घर का मेरे को फ्लैट नंबर बोलो ताकि मैं एम्बुलेंस मैं भेज देता हूँ। इस दौरान ये पहुँच गया, डॉक्टर के पास ले गए स्पाइनल में, ये एम्बुलेंस उसमें PCR में गया चिराग, और उन्होंने बोला डॉक्टर ने इसको कि ये तो 4 घंटे पहले जा चुका है, तुम अब क्यों लाए हो। तो इन्होंने मार दिया है। इसकी जो माँ है उसकी एक सहेली है रेखा शर्मा, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है, वो कल वहाँ पुलिस स्टेशन पे भी, वहाँ पे हॉस्पिटल पे भी आके हमको धमका रही थी कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मेरी बहुत पहुँच है और वही मेरी प्रोटेक्शन में रहेगी ये, और वही करा है। आज मेरे को सुबह 9:30 बजे का बोला था हमको आईओ ने कि मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, अब 1:15 बज गया, अभी तक हमारा पोस्टमार्टम चालू नहीं हुआ है। पुलिस हमको बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। आपसे सब सुनने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बूढ़े बाप की अर्ज सुनो, मेरे को न्याय दिलवा दो, मेरे को न्याय दिलवा दो। मेरा नाम चिराग मल्होत्रा है, मैं क्षितिज मल्होत्रा, मेरे को कल दोपहर में 4:45 बजे फ़ोन आया था विपाशा खुराना का, जो उसकी वाइफ है, कि क्षितिज इज़ डेड, क्षितिज मेरे भाई का नाम है। तो मैंने बोला आप कैसी फालतू बातें कर रहे हो, मेरी बात कराओ उससे। तो पहले भी ऐसी नौटंकी कर चुके हैं बहुत, और बहुत मम्मी पापा को थ्रेटन कर चुके हैं। मम्मी पापा ने दोनों सीनियर सिटीजन हैं, अपनी कंप्लेंट भी डाल रखी है ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में, ये ऑलरेडी मीडिएशन विसेल में भी उनका कंप्लेंट हो चुका है। तो पहले भी इन्होंने बहुत ऐसे टॉर्चर कर रखा है हमारे को, हमको धमका के एक बार लगभग 3 महीने पहले मम्मी और पापा मेरे उसको दिवाली का सगन देने के लिए आए थे, इसने गेट नहीं खोला, दरवाज़ा नहीं खोला, अंदर एंटर नहीं करने दिया। मेरा भाई भी बाहर था, मम्मी भी बाहर, पापा भी बाहर, हमारा एक ड्राइवर है वो भी बाहर, इनको अंदर नहीं जाने दिया, घर की एंट्री नहीं देने दी। मेरे को फ़ोन किया, मैं नोएडा से भागता हुआ आया, हम भी नीचे थे, 2 घंटे हम नीचे सड़क पे बैठे हैं, बट विपाशा ने हमारे को एंट्री नहीं दी गेट के अंदर, हम हार मान के घर वापस आए। तो ये पहले भी बहुत हो चुका है। उसके फादर को मालूम है? नहीं, ये बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है जी, ये बिल्कुल। जब वो बहुत जब मैं डॉक्टर उमर ने बोला है मुझे कि ये आपके भाई को कम से कम 5 घंटे हो चुके हैं, तो 4 से 5 घंटे तक इन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया। 4:45 बजे जब मेरे पास फोन आया है, 4:45 से लेकर 4:30 बजे मैं नोएडा से वसंतकुंज पहुंचा हूं, तो 45 मिनट में मैंने कम से कम 10 फोन करे इनको, 5 इनके मोबाइल पे, 5 अपने भाई के मोबाइल पे, यही उठा रही थी। मैंने इनको भीख मांगी है कि एम्बुलेंस का फोन कर दो, मेरे को आपके फ्लैट का नंबर याद नहीं है, मेरे को फ्लैट पता है, मुझे पहचान है फ्लैट की, मैंने नंबर कभी ध्यान नहीं दिया नोट करने का, इन्होंने नहीं दिया। मैंने अपने दोस्त को फोन किया बॉम्बे में, तू एक काम कर, D8 में गेट पे खड़ी करवा दे एम्बुलेंस, मैं वहाँ से फ्लैट पे ले जाऊँगा। तो उसने कैसे तैसे करके अरेंज करवाई, जब तक मैं पहुँचा तब तक पड़ोसियों ने देखा और उन्होंने PCR को फ़ोन करा, तो मेरे भाई की बॉडी PCR में ऑलरेडी थी। मतलब 4 घंटे में ना डॉक्टर को बुलाया है, झगड़े होते थे इन्होंने बहुत, मम्मी पापा को बहुत विपाशा ने टॉर्चर करा हुआ है इस बात को लेकर, तो बहुत डरता था भाई, मतलब बोलता था कि कई बार कि मेरे घर पे मेरे रात को मत फ़ोन किया करो कि वो मेरे से लड़ती है, जब मैं उसके साथ होता हूँ आप लोगों का फ़ोन आ जाता है हालचाल पूछने के लिए भी, तो वो बहुत डरता है, बहुत सहमा हुआ था बहुत। ट्यूसडे को उसने लास्ट अपनी एक दोस्त से बात करी है बॉम्बे में,
और उस दोस्त से मैंने अपनी बात करी है तो उन्होंने मेरे को बोला है कि उसने ट्यूसडे को फ़ोन किया रोते रोते और करीबन 30 मिनट बात करी और बोला है 30 मिनट बात करी है बोला है कि मेरे को मार रही है बहुत, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ और मुझे टॉर्चर कर करके मार देगी, बहुत टॉर्चर कर करके मार देगी। जो भी है चार घंटे में ना पुलिस बुलाई, मेरा भाई एक इंश्योरेंस कंपनी में डॉक्टर बुलाया, डिजिटल मार्केटिंग हेड था। वसंत कुंज में रहते हैं, हमारा परमानेंट घर हमारा पीतमपुरा में है। मैं जब पहुंचा तो पीसीआर के दो ऑफिशियल्स उठा के नीचे पीसीआर में बिठा चुके थे, लग चुके थे गाड़ी के अंदर बॉडी को। तो मैं गेट के अंदर भागते हुए जा ही रहा था तो पीसीआर बाहर आ रही थी, तो मैं उसी टाइम पे पीसीआर के अंदर बैठ गया था। जब देखा तो बॉडी काफ़ी ब्लैक और नीले रंग की हो चुकी थी, तो थोड़ा खुद की समझ से लग ही रहा था कि बहुत टाइम हो चुका था, बहुत काफ़ी मतलब उसका चेहरा पूरा यहाँ से पूरा काला हो चुका था चेहरा। इंजरीज का देखे नहीं सर, नहीं देखे नहीं हमने, नहीं देखा है क्योंकि मैं उस टाइम पे शॉक में था। उसने अपने टी शर्ट तो पहन रखी थी तो मैं उसको हार्ट से थंप कर रहा था, उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बहुत कोशिश करी थंप करते करते। इतने में स्पाइनल इंजरीज वाले सेंटर पे पहुँचे, वहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने कोशिश करी बट वो अंदर जाने से पहले डॉक्टर मुझे इशारा कर चुके थे कि होप नहीं है, बट आने के बाद उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म करा, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली डॉक्टर उमर ने कि आपके भाई को गए हुए कम से कम 4 से 5 घंटे हो चुके हैं।